बहुत पुरानी बात है, जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उनके पिता मोची थे। सीनेट सभा के कुछ अहंकारी लोग इस बात से बहुत नाराज थे कि एक मोची का बेटा कैसे राष्ट्रपति बन सकता है। पहले ही दिन जैसे ही अब्राहम लिंकन अपना उद्घाटन भाषण देने के लिए सीनेट सभा के अंदर प्रवेश किया, सभा के बीच में से एक व्यक्ति खड़ा हो गया। वह एक बहुत समृद्ध और अभिजात वर्ग का था। दोस्तों, उसने जो कहा, अगर अब्राहम लिंकन की जगह आप और हम होते तो शायद बर्दाश्त ना कर पाते। उन्होंने कहा, श्रीमान लिंकन, आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आपके पिता मेरे परिवार के लिए जूते बनाते थे। इस बात को सुनते ही पूरे सीनेट सभा हंसने लगी। उन्होंने सोचा कि उन्होंने अब्राहम लिंकन को नीचा दिखा दिया है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, कुछ लोग तो अलग ही धातु के बने होते हैं। लिंकन ने सीधे उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डाल कर देखा। बहुत प्यार से उन्होंने कहा, महोदय, मुझे पता है कि मेरे पिता आपके परिवार के लिए जूते बनाने का काम करते थे। यहाँ कई अन्य लोग भी होंगे जिनके जूते उन्होंने बनाए होंगे, पर जैसे जूते कोई और नहीं बना सकता था। उनके जूते सिर्फ जूते ही नहीं थे, बल्कि उन जूतों में मेरे पिता की आत्मा और साथ साथ उनका समर्पण का समावेश होता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको जूतों से कोई शिकायत थी, क्योंकि मैं स्वयं भी जूते बनाना जानता हूं। यदि आपको शिकायत हो तो मैं आपके लिए भी एक जोड़ी जूते और बना सकता हूं। लेकिन जहां तक मुझे पता है, किसी ने कभी मेरे पिता के जूते के बारे में शिकायत नहीं की। वह एक प्रतिभाशाली, एक महान मोची थे और मुझे अपने पिता पर बहुत गर्व है। दोस्तों, इस जवाब के बाद पूरी सीनेट सभा की जवान को जैसे लकवा मार गया था। वे समझ नहीं पाए कि अब्राहम लिंकन किस मिट्टी का बना है, जिन्हें गर्व था कि उनके पिता ने इतने उत्साह, इतनी उमंग और पूर्णता के साथ जूते बनाने का काम पूर्ण किया था। दोस्तों, इस कहानी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें अब्राहम लिंकन से भी कुछ सीखना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। मायने तो सिर्फ यह रखता है कि आप उसे कैसे करते हैं। अपने स्वयं के दृष्टिकोण के साथ, अपने स्वयं के दर्शन के साथ, अपनी स्वयं की रचनात्मक के साथ, फिर जो भी आप स्पर्श करते हो वह बिल्कुल सोना बन जाता है।